आपके पास चाहे कौन सा भी डॉग हो, जैसे स्मॉल, लार्ज या मीडियम साइज का, बट डॉग के बॉडी के अंदर कभी कभार टिक्स, यानी आप बोल सकते हैं छोटे छोटे आपको टिक्स देखने को डॉग के अंदर ज़रूर से मिलेंगे। और उसके लिए आपको बहुत सारे जैसे कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिसके कारण जो टिक्स है डॉग के चले जाए। बट कंपनी आपको जो है प्रोडक्ट बेचती है, बट ये कभी नहीं बताएगी कि किस तरह से जो डॉग के अंदर टिक्स होते हैं और उसको आने से कैसे रोके। क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ कंपनी आपको बताने लगी या डिस्क्रिप्शन में लिखने लगी तो कंपनी के प्रोडक्ट जो है नहीं बेच चेंगे, यानी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो कोई खरीदेगा नहीं, उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमें आपको जो है इसके बारे में बताने वाले कि कौन से ऐसे वेव्स है जिसके कारण आपके डॉग के बॉडी के अंदर टिक्स आ सकते हैं। तो ये अगर आप जान लेते हो तो आपको डॉग के लाइफ टाइम तक भी आपके डॉग के जो बॉडी के अंदर जो टिक्स नहीं आ सकेंगे। और अगर एक बार आपके डॉग के बॉडी के अंदर टिक्स आ गए तो फिर आपको प्रोडक्ट यूज़ ही करने पड़ेंगे। तब तक अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो फिर उसके डॉग के बॉडी के जो टिक्स होते हैं वो नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च करते हो मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो फिर प्रोडक्ट लगा अगर ज़्यादा देर तक लगाते हो, ज़्यादा दिन तक प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके कारण डॉग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, डॉग को दिक्कत आती है और उसके साइड इफेक्ट भी डॉग के बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा पहले से आप केयर करो तो उससे अच्छा जो डॉग के बॉडी के ऊपर जो टिक्स है बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जो सबसे पहला वे होता है वो सिंपल वे होता है, जैसे कि आपका डॉग झाड़ियों में जाता है या गार्डन बगीचे में जाता है या फ्लावर्स या कोई भी झाड़ी या ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो पोटी और टॉयलेट करता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास फूस है। तो वो क्या होता है, घास फूस पे टिक्स के अंडे होते हैं या टिक्स होते हैं, एक हाथ दो रह जाते कोई अदर डॉग्स के या फिर वो कहीं से आ जाते, तो वो क्या आपके डॉग की बॉडी के ऊपर कैचअप कर लेते। उसके बाद वो क्या करते, फीमेल हो तो एकदम से ज़्यादा अंडे वहाँ पर छोड़ने लगेगी, एक जगह पर अंडे छोड़ के वो दूसरी जगह चली जाती, फिर वहाँ पर फिर से अंडे छोड़ देती। तो उसके कारण जो टिक्स होते हैं आप हाथ से निकालते हो, बॉडी के ऊपर से निकालते हो तो कुछ दिन बाद तो निकल जाते, फिर वापस से आपको दो चार दिखने को मिलते हैं। और जब आप उसे डॉग को नहलाते हो तो आपको बहुत सारे टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना उसको झाड़ियों से, जैसे गार्डन में जाते हो तो घर पर आके भी उसके आप कंघी जरूर से कीजिएगा, उसको अच्छे से साफ जरूर कीजिएगा, जिसके कारण टिक्स अगर एक दो भी दिख जाता है तो उसको रिमूव कर सकेंगे आप, और वो जो है फैलने से आपका जो टिक्स की संख्या होती है धीरे धीरे फैलना होती है वो बंद हो जाएगी। दूसरा जो वेव होता है जिसके कारण आपके डॉग की बॉडी के अंदर टिक्स आ सकते हैं वो है कि जैसे कि आपका डॉग किसी और डॉग के साथ खेल रहा है, कूद रहा है और वो डॉग के अंदर भी अगर आप टिक्स देखते हो या फिर उस डॉग के अंदर कुछ स्किन इन्फेक्शन भी होता है तो भी चांसेस है कि वो आपके डॉग के अंदर ज़रूर से होगा। क्योंकि डॉग क्या करते हैं, एक दूसरे की बॉडी सूंघेंगे, एक दूसरे से खेलेंगे, मस्ती करेंगे, कभी कभार मुँह से एक दूसरे को वो खेलते खेलते बाइट कर लेते। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे से टिक्स है वो एक दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं, फिर आप घर पर आते हो तो वो तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे जैसे 2 से 3 दिन हो जाएंगे तब आपको फील होगा कि आपके डॉग के बॉडी के अंदर जो है टिक्स आ गए। और टिक्स आने के बाद क्या करते हैं, वो खून चूसते हैं आपके डॉग के बॉडी को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं आपका डॉग जो खाना धीरे धीरे बंद कर देता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, रात को कभी कभार सोता नहीं है, वो यहाँ वहाँ इधर उधर घूमता रहता है, उसको प्रॉपर नींद नहीं आती, उसके कारण उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन आती है, कभी कभार डॉग को जो है बीमार भी हो जाता है, उसको बुखार वगैरह भी आ जाता है। जो नेक्स्ट वे जिसके कारण आपके डॉग के बॉडी के अंदर टिक्स आ सकते हैं वो है कि पानी में बैठना। देखना आप बारिश में होता है कि आप छत पे ले जाते हो या फिर कहीं पे ले जाते हो, या आपका डॉग क्या करता है ग्राउंड पे जाता है तो मिट्टी खोदता है तो वहाँ पे कभी कभार बैठ जाता है, तो उसमें क्या होता है वहाँ से कभी कभार टिक्स आपके डॉग के बॉडी पे आ सकता है। चांसेस कम है, बट जो अगर आपका डॉग ज़्यादा पानी के अंदर बैठा रहता है या फिर ऐसी गीली जगह जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी पत्थर पे है या फिर टाइल्स पे या फिर फर्श पे है तो वो आपके डॉग के बॉडी में लगेगा, तो वहाँ से जो है कभी कभार स्किन एलर्जी ज़्यादा चांसेस है कि 90% की स्किन एलर्जी हो गए और 10% चांसेस है कि आपके डॉग के बॉडी में टिक्स होना चालू हो जाएंगे, तो वो भी एक वे है। तो इससे क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा फैलना चालू हो जाता है, तो गीले पानी में या फिर फंगल वाला जैसा एरिया होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गीलापन है वहाँ पे डॉग को मत बैठने दीजिएगा। जहाँ पे डॉग बैठता है वहाँ पे भी देखना, कभी कभार ब्लैक सर्कल जैसा आ जाता है ज़मीन पे, तो वो भी आप साफ कीजिएगा अच्छे से, नहीं तो क्या होता है वो फंगल इन्फेक्शन फिर से डॉग के बॉडी के ऊपर आता जाता है और आपके डॉग के बॉडी के ऊपर स्किन इन्फेक्शन हो गया, टिक्स हो गया, हेयर फॉल हो गया और ऐसी सारी बीमारी आपके डॉग को हो सकती है। जो नेक्स्ट वे हो सकता है वो है कि नेचुरली डॉग की बॉडी के ऊपर नेचुरली भी कहीं से भी आ सकते हैं, कभी कभार वेदर चेंज होने के कारण हो सकता है, कभी कभार कुछ ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं जिसके कारण धीरे धीरे डॉग की बॉडी के ऊपर जो है आपको टिक्स आने लगते हैं, कभी कभार अंडे वगैरह कोई एक आध फीमेल अचानक से आ जाती है डॉग की बॉडी के ऊपर कहीं से भी, तो उसके कारण भी। तो प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे प्रोडक्ट में आता है पाउडर आता है, शैम्पू आता है, स्प्रे आता है और छोटे मोटे लिक्विड फॉर्म में जैसे आता है डॉग के कान के यहाँ पे, डॉग के गले के वहाँ पे डालना, उस तरह से भी आता है, बट ज़्यादा करके असर जो है वो पाउडर करता है और शैम्पू यूज़ करता है। और ये अगर आप
प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे शैम्पू और पाउडर, और कभी कभार स्प्रे आता है, बट स्प्रे ज़्यादातर काम नहीं करता, जो पाउडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है। तो पाउडर और आप शैम्पू लाइएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जो जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है वो सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर डॉग के बॉडी में ज़्यादा टिक्स है तो आप अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से जितना हो सके उतना निकालिएगा, नहलाते टाइम डॉग को जितना आप दिखते टिक्स वो निकालिएगा, उसको उसके अंदर मत रहने दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा अगर फैलने चालू हो जाएंगे और आपके डॉग की जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।